आपको 50%, और दलितों की कितनी है 15, आदिवासियों की कितनी 8, माइनॉरिटी की कितनी 15, तो सब मिलाकर तकरीबन 90% होता है। ठीक है, अब अगर आप सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालो, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट है उसकी लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। मीडिया में देखो, आपको एक बड़ा पिछड़े वर्ग का पत्रकार नहीं मिलेगा, एक दलित पत्रकार नहीं मिलेगा, एक आदिवासी पत्रकार नहीं मिलेगा। टीवी चैनल में एंकर देखो, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा वहां पे। मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां पे 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। ब्यूरोक्रेसी में जाओ, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार का बजट बांटते हैं, आईएएस अफसर हैं। यहां भी मध्य प्रदेश में भी सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं 60-70 होंगे, 80 होंगे, वो मध्य प्रदेश के बजट को बांटते हैं। लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का कोई नहीं मिलेगा, और अगर कोई मिलेगा तो वो छोटी सी मिनिस्ट्री पे उसको मतलब कोने में परे करके रख देंगे। तो ये है सामाजिक अन्याय, और ये हर संस्था में हो रहा है। आप प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालो, मालिकों की लिस्ट निकालो, वहां आपको 90% में से कोई नहीं मिलने वाला। प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, इनके मालिकों की लिस्ट निकालो, एक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी मिलेगा, और एक गरीब शेड्यूल कास्ट का भी नहीं मिलेगा। तो हो क्या रहा है, 3-4% लोगों ने कब्जा कर रखा है, और उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। सबसे ऊपर अदानी जी बैठे हैं, अंबानी जी बैठे हैं, ठीक है, 30-40 ब्यूरोक्रेट हैं आईएएस के, पूरा का पूरा निर्णय वो लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री को देखिए, वहां पे अग्निवीर लागू कर दिया। पहले क्या होता था, पहले सेना में भर्ती होती थी, ठीक है, लोग युवा सुबह उठते थे, रनिंग करते थे, वर्जिश करते थे, अंदर जाते थे, सेना उनको गारंटी देती थी, कहती थी देखिए आप में देशभक्ति की आग है, आप देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो तो हम आपकी रक्षा करेंगे, और सेना उनको पेंशन देती थी। अगर उनको कुछ होता था, चोट लगती थी तो देखभाल होती थी, अगर शहीद हो जाते थे तो शहीद का रिस्पेक्ट मिलता था। अब अग्निवीर लागू कर दिया, इसमें कहते हैं देखिए 4 लोगों की भर्ती होगी, 4 में से 3 कौन निकाल देंगे, वो 3 पता कौन से निकलेंगे, एसटी एससी ओबीसी, वो निकलेंगे। आप देख लेना, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं आंकड़े निकालता हूं। कोविड के समय अग्निवीर से पहले सेना ने 1,50,000 युवाओं को भर्ती का कमिटमेंट दिया, 1,50,000, ठीक है, उनके नाम मेरे पास है। कोविड आता है, उनको कहते हैं देखिए अभी कोविड आया है, आपकी भर्ती अभी नहीं होगी, थोड़ी देर में कर देंगे, ठीक है। 3 साल उनको इधर उधर घुमाया, वो राजनाथ सिंह के पास गए, राजनाथ सिंह जी ने उनको आश्वासन दिया कि कोविड का समय है, थोड़ी देर में आपकी समस्या को हल कर देंगे, मेरे पास चिट्ठी है, देखना चाहते हो मैं दिखा दूंगा।
अलंकार में चिट्ठी निकालो। उसके बाद उनसे कहते हैं देखिए अब अग्निवीर योजना आ गई, अब आपको हम नहीं ले सकते। 150,000 है युवा, 5-5 साल उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की, रनिंग की, और आपको अग्निवीर में भी नहीं आने देंगे। क्यों? आप ओवर एज हो गए, आप ना इधर के ना उधर के, जाके आप जानो आपका काम जाना जाने, आप यहां से आउट हो जाओ। ठीक है, मैंने लिस्ट निकाली, मैंने कहा देखता हूं भैया ये है कौन। 75% उसमें से ओबीसी, दलित, आदिवासी और उसमें से गरीब जनरल कास्ट के लोग। अब उनका समय बर्बाद कर दिया और फिर उनको निकाल दिया, उनको ना कोई कॉम्पेंसेशन दी, उनको ना अग्निवीर में जाने दिया। और उनकी क्या गलती थी? उनके दिल में देशभक्ति की आग थी, वो गलती थी उनकी। और वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, गरीब जनरल क्लास के लोग थे, माइनॉरिटी के लोग थे। तो सेना में एक रास्ता था, वो बंद कर दिया। दूसरा रास्ता होता था पब्लिक सेक्टर, ये देखिए चिट्ठी है, देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये राजनाथ सिंह जी की चिट्ठी, इसमें साफ लिखा हुआ है, देख लो। तो वो कहते हैं देखिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी भर्ती हो जाएगी। 3 साल उनको घुमाया और फिर 1,50,000 है वो। अच्छा ठीक है, अगर 10 लड़के होते, 15 होते, 100 होते वो अलग बात है, वही 1,50,000 लड़कों को उन्होंने परे कर दिया। अब क्यों किया मैं बताता हूं आपको। ये आप, ये लड़का है भैया, ये अपनी राइफल दिखाना जरा थोड़ा, ये देखो ये राइफल दिख रही है आपको, ये जो राइफल है ये देखो, ये पहले राइफलें जो होती थी इनका, जो इनको जो कारतूस होते थे, ये जो बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनते हैं इनके, ये जो वेस्ट होती थी, ये सब पहले सरकारी कंपनियां बनाती थी। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये हथियार बनाती थी, अब गुजरात की नहीं भैया, यह बात नहीं समझे। उस पर ठप्पा लगता है अदानी का, ठप्पा लगता है अदानी का, वो बंदूक नहीं बनाता, वो है इजरायली बंदूक, रूस की बंदूक, इजरायली बंदूक, अमेरिकन बंदूक। पहले क्या होता था, हिंदुस्तान की सरकार राइफल खरीदती थी, कॉन्ट्रैक्ट जाता था इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, उसमें आप लोगों की भर्ती होती थी, दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग। अब क्या हुआ, एचएएल, बीएचएल, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इन सबको ये परे कर रहे हैं। और ये आप लोगों को बात समझ नहीं आ रही है, मैं बताऊं, क्योंकि ये आपकी पूंजी है, ये आपका है। अगर हवाई जहाज एचएएल बनाएगा तो उसमें भागीदारी आपकी होगी, क्यों? क्योंकि आपके लोग एचएएल में काम करेंगे। अगर हिंदुस्तान पेपर कागज बनाएगा उसमें भागीदारी आपकी होगी, क्यों? क्योंकि उसमें आपको नौकरी मिलेगी। ये राइफल जब पहले बनती थी उसमें आपका फायदा होता था, आपके लोग जाके काम करते थे, करोड़ों नहीं करते थे मगर 50,000, 60,000, 1,00,000 जाते थे अंदर, उनकी जिंदगी